आप सभी का स्वागत है ईआईएस प्रोस्क्रिप्शन में। यूपी स्कॉलरशिप को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएं परेशान हैं, जिनके भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक है या फिर अगर उनका ईयर बैक लग चुका है तो अब आपका स्कॉलरशिप आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो स्कॉलरशिप में बदलाव हैं वो किए ही गए हैं। जैसे कि आपके 75% के अटेंडेंस को पूरी तरीके से मस्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही आपके जो पैसे हैं वो आधार बेस अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो इस तरीके के कई सारे जो बड़े बदलाव हैं वो स्कॉलरशिप में किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपके रिजल्ट में किसी भी तरीके का बैक या फिर फेल है तो आपके स्कॉलरशिप आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर सारी बातें आपको विस्तार से और स्पष्ट तौर पर बताने जो भी जानकारी आपको अपनी कॉलेज, अपने टीचर, अपने दोस्तों या फिर यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देख के आपको देखने को मिले होंगे, तो उसमें सही बात क्या है और किस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप आती है, इसको लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा। इसके साथ ही अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनका भी किसी भी सब्जेक्ट में बैक होता है यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं। जिस तरीके से इसमें किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में बैक होगा, किसी का सेकंड सेमेस्टर में बैक होगा, किसी के दोनों ही सब्जेक्ट में बैक होगा, यानी कि अगर आपके 3 सब्जेक्ट से कम बैक होते हैं तो फिर आप सेकंड ईयर में एडमिशन करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं। आप सेकंड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो सेमेस्टर के इस बार जो कोर्सेज हैं वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सभी के जो एग्ज़ाम हैं वो हो चुके हैं और फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी करके आगे के जो एडमिशन के प्रोसेस हैं वो करवाया जा रहा है। और फिर आप अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएं डरे हुए हैं, परेशान हैं कि जिनके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है और इस वक्त छात्र छात्राएं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, चिंता की स्थिति में है कि उनका स्कॉलरशिप आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उनका किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आप अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन करवा रहे हैं, थर्ड ईयर में एडमिशन करवा रहे हैं, फोर्थ ईयर में एडमिशन करवा रहे हैं, यानी कि सब मिला जुला की बात ये है कि अगर आप सेमेस्टर पास आउट कर चुके हैं, आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि प्रमोटेड विथ बैक करके लिखा हो या फिर बैक विथ प्रमोटेड करके लिखा हो या फिर प्रमोटेड करके अगर आपके रिजल्ट में लिखा है, यानी कि आपको वो ईयर दोबारा नहीं पढ़ना है। आप अपने थर्ड सेमेस्टर में अपने आउट के जो सेमेस्टर्स हैं उसमें आप चले गए हैं, यानी कि कुल मिला जुला के आपका एडमिशन इस साल आपके नेक्स्ट जो ईयर है उसमें हो चुका है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही आपके जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो आपके बैंक खाते में ज़रूर आएंगे, बाकायदा जो आपके डॉक्यूमेंट हो वो सही हो और सरकार का बजट खत्म ना हो, तो फिर आपके स्कॉलरशिप के पैसे आपके बैंक खाते में ज़रूर आएंगे। बैक की वजह से आपका स्कॉलरशिप नहीं रुकेगा कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है इसलिए आपका स्कॉलरशिप रुक जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। कई साल से जो स्कॉलरशिप आते हैं उसमें यही देखा गया और इस बार भी यही होगा कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो आप चिंता मत कीजिए, आराम से अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को अगर अप्लाई कर दिए तो निश्चिंत रहिए, नहीं किए तो अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई कर दिए, क्योंकि बैक की वजह से कभी भी आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं रुकता है। आपके नेक्स्ट ईयर में जो एडमिशन है वो आपका हो चुका है तो पूरी तरीके से एलिजिबल है अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अपने फॉर्म को रिन्यूअल करने के लिए और आपके स्कॉलरशिप पाने के लिए। अब बात करते हैं कि जिनका भी किसी भी ईयर बैक लग चुका है, यानी कि आप उस ईयर में फेल हो चुके हैं, आप जिस ईयर में पढ़ाई कर रहे थे 2021-22 में उसी ईयर में दोबारा आपको 2022 और 23 में पढ़ाई करना है, तो आप चिंता मत कीजिए, आराम से अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस करके पढ़ाई कीजिए। रही बात आपकी स्कॉलरशिप को लेकर, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी भी छात्र का फेल होता है या फिर उनका ईयर बैक लगता है तो स्कॉलरशिप देना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से अगर आपका ईयर बैक लगा है तो फिर आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा और ये सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। लेकिन देखा गया है हमेशा यही होता है कि जिन भी स्टूडेंट के फेल होते हैं जिस ईयर में, उनका स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। जो बैक स्टूडेंट होते हैं उनका स्कॉलरशिप आ जाता है क्योंकि उनका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, लेकिन अगर आप उसी ईयर में दोबारा पढ़ाई करते हैं तो फिर आप रिन्यूअल के फॉर्म को भी सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर आपके जो स्कॉलरशिप है वो नहीं भेजे जाते हैं। तो सब मिला जुला के ये है कि अगर आप ईयर बैक लग चुका है तो ये एक तरीके से एक तो आपका फेल है, ऊपर से स्कॉलरशिप भी नहीं आता है, तो ये दोहरी मार छात्रों पर होती है, जो कि सरकार को इसके ऊपर सोच विचार करके बाकायदा स्कॉलरशिप उन छात्रों को भी देने चाहिए, क्योंकि आप लोग फिर से अपना एडमिशन उस ईयर में करवा रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जिनका भी ईयर बैक है उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा और जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक है तो उनका स्कॉलरशिप आता है। तो ये सारी बातें थी, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई भी सवाल हो तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।